ये सब बनाया नहीं, अगर वो बन गया होता तो उसमें प्रोविजन है, बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मेट्रो को नहीं हटाया जा सकता है, हमारे झुग्गी झोपड़ियों को नहीं हटाया जा सकता है। ये दोनों काम सरकार अनैतिक कर रही है। भारत सरकार का भी जब यूपीए की सरकार थी इसने भी एक कानून बना के दिया था कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था को नहीं हटाओ, यही लोग हटा रहे हैं। इसी बात को हम लोग गवर्नर साहब के सूचना में दिया है और लड़ाई जारी रहेगी जब तक सरकार हाईकोर्ट का आदेश का हवाला है। हाईकोर्ट क्या है, हाईकोर्ट हाईकोर्ट के सामने कब दो हाईकोर्ट के सामने, इसलिए हाईकोर्ट का हम नहीं कहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। ये सरकार दुरंगी काम कर रही है, एक तरफ अवैध मॉल के मालिक को नहीं हटा रही है और जो बेचते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में है उनको मर्सिलेसली सब हटा रही है। इसके चलते हम लोग राजभवन मार्च कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय को बताएंगे